हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर दोस्तों यहाँ पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केकेआर टीम की क्या प्लेइंग इलेवन हो सकती है आरसीबी के अगेंस्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारे मैचेस में अभी देख ही रहे हो कि बार बार चेंजेस हो रहे, तो फिर इस मैच में भी चेंजेस होने वाले हैं। फिर से यहाँ पे हम जो कुछ नए प्लेयर्स को देखने वाले हैं, तो फिर बात करेंगे कि क्या जो केकेआर टीम कॉम्बिनेशन खिला सकती है इस मैच में। तो फिर वीडियो का प्लस जो देखना, वीडियो को आपको बता दी तो एक लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि इंजरी पे अभी कोई अपडेट हमारे सामने नहीं आ रही है। शार्दुल ठाकुर दो मैच बाद हमें पता चला कि वो इंजर्ड है, जिस वजह से नहीं खेल रहे। फिर यहाँ पे जेसन रॉय और गुरबाज की इंजरी पे भी कोई अपडेट अभी नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि दोनों फिट है और शार्दुल ठाकुर भी यहाँ पे शायद से इस मैच में खेल सकते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि अब क्या प्लेइंग इलेवन हो सकती है। तो फिर मेरे हिसाब से जो प्लेइंग इलेवन हो सकती है वो मैं आप सबको बताने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो यहाँ पे होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स में, तो फिर मेरे हिसाब से एक बार फिर से केकेआर को जेसन रॉय और जगदीशन के साथ ओपन करवाना चाहिए, और फिर तीन नंबर पे वेंकटेश अय्यर, और दोस्तों यहाँ पे जगदीशन यहाँ पे मेरे हिसाब से खेले चाहिए, क्योंकि वो इंडियन प्लेयर आपको विकेट कीपिंग करके देते हैं। बैटिंग में भले उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, लेकिन आपको विकेट कीपर तो खिलाना ही पड़ेगा। तो फिर जेसन रॉय के साथ जगदीशन ओपन करेंगे, तीन नंबर पर वेंकटेश अय्यर, चार नंबर पर बात करते तो फिर नितेश राणा खेलेंगे, पांच नंबर पर रिंकू सिंह, छह नंबर पर एंड्रयू रसेल, सात नंबर पर शार्दुल ठाकुर की एक बार फिर से वापसी हो जाने चाहिए, और मेरे हिसाब से अभी तक वो फिट भी हो गए होंगे। और भी यहाँ पे बात करते हैं आठ नंबर पे सुनील नारायण, नौ नंबर पे लॉकी फर्गसन या फिर टीम सऊदी में से कोई एक को खेलना चाहिए इस मैच में। फिर यहाँ पे दस नंबर पे वैभव अरोड़ा और ग्यारह नंबर पे वरुण चक्रवर्ती। तो भी दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह की प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए। और फिर बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में, केकेआर को सुयश शर्मा को लाना चाहिए। तो भी दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह की प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर हो गया केकेआर टीम का। और दोस्तों अभी केकेआर ने बहुत सारे प्लेयर्स ट्राई कर लिए, इंडियन प्लेयर्स भी ट्राई कर लिए, साथ ही यहाँ पे अभी ओवरसीज में भी डेविड वीजा को केकेआर ने खिला लिया, फिर लिटन दास को भी केकेआर ने खिला लिया, लेकिन अब मेरे हिसाब से जो दो मेन बॉलर है आपको उनमें से किसी एक को तो खिलाना ही पड़ेगा। टीम सऊदी या फिर लॉकी में से आप किसी को भी खिला सकते हो। जैसे मैंने बात करा कि अगर सऊदी खेलते तो फिर पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, और लॉकी फर्गसन खेलते तो वो कहीं पे भी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा पैसा देके केकेआर ने लॉकी को खरीदा आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा, और आपने जो उनको देख के ही कुछ पैसे दिए होंगे, तो फिर इस वजह से लॉकी या फिर सऊदी को जोश जो इस मैच में मौका मिलना चाहिए। और फिर शार्दुल की वापसी हो जाएगी, और उमेश यादव का अब हो गया, मतलब आप सात मैचेस उनको दे चुके हो, एक विकेट भी अभी तक नहीं ले पाए हैं पावर प्ले में, और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बिना विकेट के पावर प्ले में आपने सात मैचेस उनको दे दिए। और फिर यहाँ पे अभी बात करते हैं मिडल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में फिर जहाँ पे भी आ रहे वहाँ पे रन दे रहे, और फिर यहाँ पे वैभव जो कि पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर है, अब केकेआर को उनको जोश मौका देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत मैचेस उमेश को मिल चुके हैं और वैभव अरोड़ा को लिया है, तो फिर उनको मौके देने चाहिए, और अगर अच्छा करते हैं तो फिर आप उनको अगले साल भी रिटेन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से अब उमेश का हो गया, उनके जगह पे वैभव अरोड़ा को केकेआर को लाना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जगदीशन के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, केकेआर गुरबाज के बारे में भी सोच सकती है, लेकिन फिर यहाँ पे इंडियन पेसर जो केकेआर के पास है ही नहीं, फिर वहाँ पे आपको कुलवंत खजोलिया को खिलाना पड़ेगा, जिनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में आपने देखा कि कितना खराब था, मतलब कि कितने ज्यादा फुल टॉस और नो बॉल उन्होंने आखिरी ओवर में किया वो आपने देखा ही होगा। तो फिर इस वजह से लॉकी या फिर टीम सऊदी में से कोई एक वापस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे शार्दुल की भी एंट्री हो जाएगी, और मेरे हिसाब से जेसन रॉय अच्छा कर रहे हैं, और इस मैच में भी केकेआर को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे भी रन ज्यादा बनेंगे। तो फिर बैटिंग में थोड़ा सा अच्छा बैटिंग करना होगा, 220 भी अगर चेज करने हैं तो भी केकेआर को एक अलग से प्लानिंग के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ना स्वामी में उतने रन बनेंगे और उतना आपको चेज भी करना पड़ सकता है, या फिर आप पहले बैटिंग करते हो तो फिर आपको उतना बनाना भी पड़ सकता है। तो फिर इस वजह से बैटिंग जो वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, बॉलिंग जो यहाँ पे मेरे हिसाब से उस मैच में भी दोनों टीमों की कुछ ज्यादा खास नहीं रहने वाली है। फिर प्लेइंग इलेवन क्या होगी उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ इस तरह की प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए, और जो प्लेयर को ज्यादा पैसे देके केकेआर नहीं खरीदा है उनको अभी बैक करना चाहिए, और उनको जो दो तीन मैचेस लगातार अभी खिलाने चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपकी क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट करके जो बताना। आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।